तो गाइस आज हम करने वाले हैं Vivo V27 Pro का अनबॉक्सिंग और एक मिनट का वीडियो बनाने वाले हैं। देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 8GB 128GB वेरिएंट लिया है, यहाँ पर ब्लू कलर है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ऊपर मोबाइल, इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर बात करते हैं कैश कवर, जो कि बढ़िया प्रीमियम से क्वालिटी में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए इसको रख देते हैं एक बार साइड में। कुछ यूजर गाइड्स है जो यहाँ पर कम करती है, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आजकल कोई पढ़ता नहीं लव लेटर्स को। और टाइप सी का एक केबल आएगा यहाँ पर, L2 टाइप सी केबल, और साथ ही कुछ सिम इजेक्टर पिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीवन में। साथ ही मिलता है एक हमें 67 वाट का चार्जर, फ्लैश चार्जर, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है। यहाँ पर आपको लाइटिंग की वजह से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश चार्जर है। चलिए बात करते हैं मोबाइल की, तो यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं बिल्कुल Vivo V27 जैसा लुक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर 33,000 उसकी प्राइस आती है और यहाँ पर जो प्राइस आती है वो यहाँ पर 37,999 रुपये प्राइस यहाँ पर हमें इसकी देखने को मिलती है। काफ़ी प्यारा फ़ोन है। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें तो 3.5 का जैक यहाँ पर मिसिंग है और साथ ही सिम इजेक्टर पिन और स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट साइड में हमें पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप डाउन का बटन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर यहाँ देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट का यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ मेंशन है, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। और साथ ही लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर हमें पीछे की तरफ देखने को मिलता है और साथ ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लुक है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर पीछे का आप कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फोटो सैंपल क्लिक कर लेता हूँ। लाइटिंग का भी ज़्यादा होने की वजह से आपको हो सकता है कम दिख रहा हो, यहाँ पर सेल्फी लाइट ये आप देखिए, फोटो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, कैमरा टेस्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। कैसा लगा आपको ये फ़ोन कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।